नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अशोक कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट वन में फिज़िकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट्स उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो या तो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं अब पता कैसे करेंगे तो इसके अंदर एक दो चीज़ है महत्वपूर्ण एक है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम हमने कल पढ़ा था जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस के सिस्टम्स पढ़े थे उसमें हमने आठ फिज़िकल स्टेट्स पढ़ी थी जिसमें हमने उनके कोलाइडल सिस्टम्स पढ़े थे जैसे इमल्शल्स सोल फॉर्म जेल सॉलिड सॉल्स तो ये हमने सोल्स वगैरह पढ़े थे तो इसमें दो चीज़ निकल के आई थी एक आई थी डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्स मीडियम तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जैसे एक पानी का गिलास था उसमें हमने गोल्ड पार्टिकल जो कोलाइडल साइज के हैं 10 एम स्ट्रॉन्ग से 2000 हज़ार एम स्ट्रॉन्ग वो उसमें डाले और इस तरह से कोलाइडल सोल बना हमारा पार्टिकल्स बने इसके गोल्ड के तो गोल्ड सोल बन गया तो इसे कहेंगे हम जो गोल्ड पार्टिकल्स थे वो हमने कहा फेज है और जो पानी वाला पार्ट है जो मैं एक ज़्यादा पार्ट है जिसके अंदर हम गोल्ड पार्टिकल्स घोलते हैं उसे बोलते हैं हम सो सोल टोटल टो यानी डिस्पर्स मीडियम तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम तो ये हमारा सोल हो गया अब देखिए इसके अंदर सोल इसलिए बोला कि इसके अंदर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और जो मीडियम है वो लिक्विड है तो उसे सोल्स बोलेंगे ये सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आसनिक सल्फाइड गोल्ड सोल्स सिल्वर सोल्स ये सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं अब हमें इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या है इलेक्ट्रोपोरेसिस को कैसे बताएं कि कोलाइडल पार्टिकल हैं वो चार्ज हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ये चार्ज पार्टिकल हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरह मूव करते हैं और इसे कहते हैं मूविंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस एग्जाम्पल्स आर्सनिक सल्फाइड गोल्ड सिल्वर सोल्स आर नेगेटिव चार्ज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द कोलाइडल पार्टिकल्स एकूमलेटेड एट एनोड इसी तरह से फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ये कहाँ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे दे मूव टूअर्ड्स द कैथोड कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रीचिंग दीज इलेक्ट्रोड दे लूजे देअर चार्ज एंड कॉगुलेट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टूअर्ड्स कैथोड इज कॉल्ड एज कैटापोरसिस सम टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ कैटाफोरिस आर एज टू रिमूव कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक इंडस्ट्रीज एंड सूट ये एक एग्जाम्पल भी है इसका कि इसकी एप्लीकेशन भी है कि भाई जब कार्बन पार्टिकल जो इंडस्ट्रीज से जाते हैं स्मोक और सूट हैं वो पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कॉगोलेट हो जाते हैं उसे रिमूव किया जाता है जिससे एयर पॉल्यूशन नहीं हो दूसरा अब जो इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रसिपटेशन ऑफ रबर्स इसका एक एप्लीकेशन है टू रिमूव डर्ट गंदगी को निकालना पेंटिंग ऑफ मेटलिक पार्ट्स ऑफ कार्स ये भी एक इसका एप्लीकेशन है क्लीनिंग ऑफ स्वेज वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर परपजस जो स्विज जो हमारा पानी होता है स्वेज का उसको साफ करके उस पानी को जो यूज़ करते हैं हम इरीगेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए या इरीगेशन काम के लिए या कृषि के लिए देखिए ये इसका डायग्राम है इस डायग्राम में देखिए कि हमने तो है बिफोर पासिंग करंट और आफ्टर पासिंग करंट जरा हम इसको हाईलाइट करेंगे देखिए ये बिफोर पासिंग करंट वाला है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड एनोड जिसे हम एनोड से कह सकते हैं ये एनोड हो गया हमारा अब इस एनोड को और ये हमारा नेगेटिव पार्ट कैथो सी ये एनोड और ये कैथो अब ये कोलाइडल सोल है कोलाइडल सोल्यूशन है किसका सोल है आर्सेनिक सल्फाइड का ये जब इसके अंदर करंट जब इसको करंट को हमने आ, चार करंट इसमें पास करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा इधर मूव करना देखिए और यहाँ आके ये कोगुलेट हो जाएगा और ये जो सोल पार्टिकल्स है क्लियर होता जाएगा जो कि कैथोड के पास में आपको दिख रहा है तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से जब इन पार्टिकल्स को प्रसिप्टाइज किया जा सकता है या एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन कोलाइडल सॉल्यूशंस इसके एप्लीकेशंस हमने पढ़ चुके हैं अभी ऊपर तो इसको इस तरह से इलेक्ट्रोपोरिस को देखिए इसमें बिल्कुल कैटापोरसिस भी बोलते हैं सर कैटापोरसिस इसके अंदर YouTube, ये यूट्यूब्यूब है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स दो हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स जो कि इस डायग्राम में शोन है और आसनिक सल्फाइड इज मूविंग टूअर्ड्स एनोड एंड आर कागुलेटेड देयर अ क्लियर सोल्यूशन रिमेन्ट कैथोड दिस प्रोवाइड दैट आसनिक सल्फाइड पार्टिकल्स आर नेगेटिव चार्ज तो हमें ये पता चल गया इसमें कि पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के वो चार्ज पार्टिकल्स हैं अब हमें आता है कि भाई इसके अंदर डिस्पर्स फेज मूव कर रहा था अब हम देखते हैं डिस्पर्स मीडियम कैसे मूव करेगा तो डिस्पर्स मीडियम के लिए आता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हमने कहा कि ऑस्मोसिस होता क्या है ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट मूव करता है तो इसका डायग्राम से एक देखें हम देखे, ये डायग्राम है इसका यहां पे दो जो हम इसको हाईलाइट करते हैं ये दो हैं है यह मैमब्रेनब्रेन एनिमल मेब्रेनस लगाई गई हैं इसके अंदर दोनों तरफ डिस्पर्स मीडियम वाटर है ए और बी के अंदर देखिए अब क्या होगा कि इसको दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे अब इसमें देखिए इन जो कोलाइडल सोल्यूशन है बीच में कोलाइडल सोल्यूशन भर रखा है तो दो चीज़ हो गई कोलाइडल सोल्यूशन हो गया दोनों तरफ मीडियम हो गया और एनिमल मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रोड्स जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो ये मीडियम मूव करेगा मीडियम मूव करेगा मीडियम मूव कैसे करेगा देखिए दो इसके अंदर ट्यूब्स हैं तो इसके अंदर जो वाटर मीडियम है यहाँ से इसमें से मूव करेगा यहाँ तो इसके अंदर लेवल बढ़ जाएगा और इसका लेवल कम हो जाएगा इसका लेवल तो कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस अब इसके बारे में थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट फ्रॉम द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स द डिस्पर्स मीडियम ऑल्सो गेट चार्ज बट द चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज ऑपोजिट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल से चार्ज हमेशा अपोजिट होगा अगर कोलाइडल पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम का नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मीडियम मूव करेगा मान लीजिए इसमें कोलाइडल सोल्स आसनिक है नेगेटिव पार्टिकल है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होगी मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है पॉजिटिव है और तो इसके अंदर मीडियम होगा जैसे पॉजिटिव वो मूव करेगा तो द कोलाइडल पार्टिकल्स कैनोट पास थ्रू द मेब्रेन बट द डिस्पर्स मीडियम वाटर ऑफ द सोल्वेंट पासिस थ्रू द मेम्बरेन इन अप्रोप्रियट डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ कलाइडल पार्टिकल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑसमोसिस ऑसमोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सोल्वेंट और लिक्विड थ्रो ए सैरी मैम परमेबल मैमब्रेन और परफोरेटेड मैम्बरेन तो हमने कहा ऑसमोसिस डिफ्यूजन क्या है ऑसमोस ए टाइप ऑफ ए डिफ्यूजन पर इस डिफ्यूज़न में सॉल्वेंट है लिक्विड मूव करता है मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने देती है सॉल्यूट को नहीं यानी डिस्पर्स फेज को नहीं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर है तो इस तरह से हमने इस डायग्राम को जरा हम एक बार इसको दोबारा देखते हैं मूविंग ऑफ डिस्पर्स मीडियम टूअर्ड्स वन इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो पार्चमेंट पेपर एनिमल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो फिगर है फाइव पॉइंट नाइन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस उसमें शो कर रखा है एक ट्यूब है थ्री कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है मैनुअल मेम्ब्रेन के द्वारा मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है दो तो साइड में ए और बी साइड हमने डिस्पर्स मीडिया यानी वाटर भर रखा है बोथ ऑफ दीज आउटर कंपार्टमेंट्स आर फिटर विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स नियर द मेम्ब्रेन When current is passed, the level of water rises in one side tube as mediums start diffusing and moving towards one electrode. While the colloidal particles cannot pass through the membrane, sole particles move towards oppositely charged electrodes. The level of medium water rises in the compartment with the opposite charge. Now, in this diagram, if sole particles, sole particles अगर यहाँ मूव करते हैं साइड इस इलेक्ट्रोड की तरफ मान ली नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये ये नेगेटिव है तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करेंगे मेम्ब्रेन के थ्रू तो और इसके अंदर क्या होगा वाटर लेवल राइज कर जाएगा तो हम ये कहते हैं कि जो डिस्पर्स मीडियम है वो मूव करता है एक इलेक्ट्रोड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस तो आज हमने दो चीज़ पढ़ी की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोपोरेसिस या कैटोपोरेसिस, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोसमसिस तो ये दोनों हमने आज पढ़े इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई और टॉपिक हम लेंगे इसी का कोलाइड्स का धन्यवाद